हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बचे हुए कपड़े से नेट फैब्रिक से बेबी फ्रॉक की कटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम 4 फोल्ड में कपड़ा ले लेते हैं। ये हमारा लंबाई में 10 इंच है, गले की चौड़ाई है 2 इंच, शोल्डर 5 इंच, आर्म होल 5 इंच, मार्जिन सहित चेस्ट 8 इंच, कमर पर भी मार्जिन सहित 7.5 इंच, कमर पे 1/2 इंच डाउन करेंगे। तरह से यहाँ से मार्क कर लेंगे। गले की लंबाई 3.5 इंच, ये आगे का है और 1.5 इंच पीछे का। इस तरह से मार्क करेंगे। गले की गोलाई दे देते हैं। ये हमारे आगे गले का गोलाई है और ये पीछे गले की गोलाई है। ये हमारा शोल्डर का गोलाई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पीछे पार्ट की गले से कटिंग करेंगे। आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं। साइड के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। अब हम पीछे पार्ट को साइड कर लेते हैं। आगे के गले की कटिंग कर लेते हैं और नेट फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा लंबाई है 24 इंच और चौड़ाई है 11 इंच। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। ये हमारा नेट का फैब्रिक है। इसकी लंबाई है 30 इंच और चौड़ाई में 13 इंच। ये कपड़ा डबल में है। इस तरह से दोनों कपड़े का हमारा चुन्नट बनेगा। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। सबसे पहले गले की कटिंग कर लेते हैं नेट फैब्रिक का। डिजाइनर बनाने के लिए यहाँ से कटिंग कर लेते हैं मार्क लगा के। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम पीछे पार्ट के लिए नेट फैब्रिक पे अस्तर का फैब्रिक रख के गले के बराबर कटिंग कर लेते हैं। अब हम गले की तरफ सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब 2 इंच नीचे हम मार्क करेंगे इस तरह से और नीचे की तरफ एक पट्टी रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं घुमाते हुए। सिलाई लग चुकी है, इसको कट कर देंगे इस तरह से। अब हम एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमारी लग चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। पट्टी में हम उल्टी तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई हमारी लग चुकी है।
अब हम आगे पार्ट को रखेंगे और इसके बीचों बीच में पिन से अटैच कर देंगे और आर्म होल की तरफ से उल्टी तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई हमारी लग गई है। अब हम कपड़े को इस तरह से अस्तर और नेट को जॉइंट कर देंगे चारों तरफ से। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। अब हम पीछे वाले पार्ट को रखते हुए आगे पार्ट के कपड़े को बराबर कर लेते हैं। अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। सिलाई डबल लगा लेते हैं। अब हम गले पर पाइपिंग लगाएंगे। चारों तरफ घुमाते हुए पाइपिंग लगा लेंगे इस तरह से। गले की तरफ पाइपिंग हमारी लग चुकी है। आर्म होल की साइड भी हम पाइपिंग लगा लेते हैं। एक साइड की पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइड भी आर्म होल पे पाइपिंग बना लेते हैं। दोनों साइड की पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डोरी के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है और इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। अब हम अस्तर का कपड़ा लेंगे और नीचे साइड से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसकी भी सिलाई हो गई है। अब हम छोटे छोटे चुन्नट बनाएंगे। अस्तर फैब्रिक की चुन्नट हमारी लग चुकी है। अब हम नेट कपड़े की चुन्नट लगाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे चुन्नट हमारी लग के तैयार हो गई है। अब हम टॉप पार्ट में घेर को जोड़ेंगे इस तरह से। घेर और टॉप पार्ट की सिलाई हो गई है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। टॉप पार्ट के 1 इंच ऊपर ही डोरी को रखते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। एक तरफ की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी तरफ की सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ की सिलाई हमारे लेके तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।